राशिद शफीक साहब अपना दफ्तर अलहदा ढूंढ लें मेरी ज़िंदगी में ही। और अगर किसी बच्चों की फ़ीस कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारा ये मिशन था कि नर्सरी से PhD तक बच्ची एक ही जगह तालीम हासिल करे, और उसमें हम कामयाब हो गए, हमारा मिशन मुकम्मल हो गया। और कल का दिन इंशाल्लाह दुआ करें, बेटियों की दुआएं अल्लाह ज़्यादा सुनता है। कल हमारा एक केस है, उसमें हमें कामयाबी हो जाए तो तकरीबन हर वो इलाका जिसमें ढोक का लफ्ज़ आता है, ढोक रता हो, ढोक नजू हो, ढोक लाई बख्श हो, ढोक खब्बा हो, जो भी ढोक जहाँ गरीब लोग रहते थे वहाँ हमने बेटियों को तालीम दी है। कोई ढोक ऐसी नहीं है जहाँ। और अल्लाह के फजल व करम से हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, कोई ताकत शिकस्त नहीं। क्योंकि जब भी बात होती है घर में तो वो कहते हैं मेरी बेटी शेख रशीद के कॉलेज से पढ़ी है, शेख रशीद के स्कूल से पढ़ी है। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। चाहे कॉलेज और स्कूल का नाम कोई भी कुछ क्यों ना हो, और हम एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि हमारे शहर की आप देखें ढोक अस्सू जैसे कॉलेज में 25 बच्चियों को स्कॉलरशिप एवार्ड मिला है। सो ऐसी बच्चियाँ जो मसाइल की वजह से या वसाइल की वजह से आला तालीम के लिए बाहर नहीं जा सकती, तो हम इंशाअल्लाह ताला लाल हवेली की तरफ से बाहर के मुल्क में ऐसी टॉप बच्चियों के पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप का ऐलान करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और लास्टली, अगर कोई बच्ची स्कूल में कॉलेज में फ़ीस ना दे सके तो उसकी फ़ीस भी लाल हवेली अदा करेगी। तमाम प्रिंसिपल्स को मैंने हदायत आज जारी कर दी हैं ताकि कोई बच्ची मसाइल और वसाइल की वजह से एजुकेशन से महरूम ना हो। जी आपको एक पहले बस दी थी मैंने, आपने बस खड़ी रखी हुई है, उस पर पहले उसको चलाएं, जितने पैसे उस पर लगते हैं वो मैं भी दे देता हूँ। वो कह रही हैं ख़त्म हो गई हैं। जब मैंने कॉलेज की सिलेक्शन की तो ट्रांसपोर्ट को जेन में रखा, मैं था तो शेख लेकिन इस काम को भी समझता था। और आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो हमारा सबसे पसमानदा इलाका था, अगर आप वहाँ खड़े होकर देखें, रत्ता अमराल में हमारा कॉलेज है, ढोक हसू में हमारा कॉलेज है, बच्चियों का स्कूल सामने और MS तक क्लासें हैं, ढोक मटकाल में हमारा कॉलेज है, ढोक लाई बख्श में हमारा कॉलेज है, और साथ ही लग जाता है वो मोनपुरा। सो कोई बच्ची 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाती। हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम बनाते वक्त हमने ऐसा निज़ाम बनाया, 7 कॉलेज बच्चियों के, और ये सबसे पसमानदा इलाका में था जहाँ हमने 7 वो कॉलेज बनाए हैं जिसमें कि कोई बच्ची अपने वालदैन की भी मोहताज ना हो कि वालद उसको छोड़ के जाए और आए। सो इंशाल्लाह ताला लाल हवेली भी मैं एजुकेशन को देने का ऐलान करता हूँ। और IT यूनिवर्सिटी, अब मैं इस पर लग गया हूँ, कितने दिन लेती है मुझे कह नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम होता है इजाज़त लेना, आपको पता है, फाइल के साथ चलना पड़ता है, उसका बजट मंजूर कराना पड़ता है, फिर कानून ऐसा है कि पूरी कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब हम हॉस्पिटल का रुख करेंगे इंशाल्लाह कल के बाद, और डायलिसिस के हॉस्पिटल को फौरी तौर पर, हमारे शहर में गरीब को डायलिसिस के प्रॉब्लम हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर मैंने 20 दिए हैं होली फैमिली को, और अब हमारा अगला मिशन जितनी ज़िंदगी रह गई है हॉस्पिटल्स को बेहतर करना है। एजुकेशन हमने मुकम्मल कर दी, अल्लाह तेरा शुक्र। और मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, और ये सारी जगह वो थी जहाँ लोग प्लाजे बनाना चाहते थे। अभी भी हमारा कल एक केस है, अल्लाह अपनी मदद करे और वो ठीक हो जाए, तो उसके बाद हम बिल्कुल A1 है। रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान के किसी भी शहर का फीमेल एजुकेशन में, लड़के पता नहीं क्यों नलायक हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, बड़ा मसला पैदा हो गया है कि बच्चियां बहुत नंबर लेती हैं, लड़के थोड़े से नंबर लेते हैं। तो हम हैं जब तक आपकी तालीम हमारी ज़िंदगी का मिशन था, अल्लाह का शुक्र है
अल्लाह ने ज़िंदगी में इस मिशन को मुकम्मल कर दिया। 60 तालीमी इदारे, 3 यूनिवर्सिटियाँ, अब नाला लई हमारा मंजूर हो गया, आपको ये भी आसानी हो जाएगी, और रिंग रोड भी मंजूर हो गया, और माँ बच्चे का हॉस्पिटल, सत्तर साल 74 साल हो गए हैं कैंटोनमेंट में कोई कॉलेज नहीं था। आप देखें हमने क्या किया इस मुल्क के साथ, 74 साल में पहला कैंटोनमेंट में कॉलेज हमने एमए की क्लासेस का, अल्लाह ने, हम नहीं कहना चाहिए, तकबर का लफ्ज़ है, अल्लाह ने हमसे काम करवाया। वो 74 साल तक कोई कॉलेज नहीं बना कैंटोनमेंट में। इंशाल्लाह ताला अल्लाह मज़ीद कामयाबियाँ देगा। कल के लिए बेटियाँ दुआ करें बेहतरी का फ़ैसला हो जाए, तो फिर हम परसों इश्तहार देंगे कि एजुकेशन हमारी मुकम्मल हो गई है। थैंक यू वेरी मच। अब आप बचिए जा सकते हैं, मैं सियासी बात करूंगा, आप बचिए जा सीटें।